वृंदावन के चौकी केशव धाम क्षेत्र अंतर्गत एक क्रूजर कार चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में थाना वृंदावन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। गाड़ी चोरी होने की सूचना पर तत्परता दिखाते हुए थाना वृंदावन पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, जिससे पता चला कि गाड़ी थाना जेत क्षेत्र की ओर से गई। इस दौरान थाना जेत पुलिस को अवगत कराया गया। थाना वृंदावन व थाना जेत पुलिस की टीम द्वारा दोनों चोरों को सनसिटी उत्तम के पास घेरने का प्रयास किया गया। खुद को गिरता देख चोरों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक चोर रोहित चौधरी घायल हो गया एवं वेदन को गिरफ्तार किया गया। घायल व्यक्ति को पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया तथा आवश्यक विधिवत कार्रवाई की जा रही है। थाना वृंदावन के केशव धाम चौकी क्षेत्र से शाम को एक क्रूजर गाड़ी की चोरी की सूचना आई। इस सूचना पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज से देखते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। इसी बीच सूचना मिली कि वो गाड़ी फला जगह है। पुलिस ने जब उसको घेरने का प्रयास किया तो वो गाड़ी लेके दो बदमाश थे जो भागे और उसको जैत पुलिस द्वारा आगे से घेरा गया। यहाँ पर सनसिटी के पास पुलिस द्वारा उनको जब घेरा गया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। क्रूजर गाड़ी और एक वेपन बरामद हुआ है। एक व्यक्ति और जो गाड़ी में था उसको गिरफ्तार किया गया है। दोनों व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।